हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कौन इस दुनिया में है जिसे प्यार, प्रशंसा, सफलता, पैसा नहीं चाहिए होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये चार ऑब्जेक्टिव्स अपने जीवन में चाहिए होते हैं। इनकी कामना वो करता है और ऐसी कामना करना मानव का अधिकार है। इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को पाना आपका भी अधिकार है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पाया जा सकता है? क्या ये केवल भाग के सहारे होता है या इनको पाने का कोई प्रोसेस है? ये सारी चीजें भाग के सहारे तो नहीं होती, इनकी प्रैक्टिसेस की जाती है, इनके नियम होते हैं। और इन्हीं नियमों में से एक मैं थ्योरी लेके आया हूं, अगर आप इसको अपनाते हैं तो पैसा, प्रशंसा, सफलता, प्यार, ये सब आप पाएंगे, लोगों का दिल आप जीतेंगे। जो लक्ष्य आपने जीवन में हासिल किया है वो लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। और ऐसी कौन सी थ्योरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इस थ्योरी का नाम है हार्ट वेव थ्योरी। इस थ्योरी के सहारे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। लोग आपसे प्रसन्न होंगे और जब आपसे लोग प्रसन्न होंगे तो आपको प्यार देंगे, वो आपको प्रशंसा देंगे। आप किसी भी व्यक्ति के दिल में उतर सकते हैं, आप किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं इस हार्ट वेव थ्योरी के आधार पर। मित्रों, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्यों ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति हमें बहुत पसंद होते हैं, उनकी हर बात हम मानने के लिए तैयार रहते हैं, उनका चेहरा सामने आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और कुछ एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जिसको देखकर हमारा मन आनंदित होता है, और कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें देखकर मन क्यों होता है? ये सबके साथ ऐसा होता है, अकेला आपके साथ नहीं होता ऐसा। सबके जीवन में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे वो प्यार करना चाहता है, सबके जीवन में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे वो नफरत करना चाहता है। क्या है इसके पीछे, इसके पीछे है हार्ट वेव थ्योरी का सिद्धांत। मैं बताता हूं कैसे ये काम करता है। मित्रों, कई परिस्थितियों में आप अलग अलग रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर हम डरे हुए हों, हमारा रिजल्ट आने वाला हो, कोई बड़ा बहुत बड़े काम का परिणाम आने वाला हो, आपने महसूस किया होगा कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है, बहुत तेज। और जब हम शांत होते हैं तो हार्ट बीट कैसी होती है हमारी? स्लो, मध्यम होती है। इसका साफ साफ सिग्नल है कि हमारे इमोशंस हमारी हार्ट बीट को कवर करते हैं। जी हां, हमारे इमोशंस हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में आपके इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, उसको लेकर आप सकारात्मक होते हैं, तो आपकी इमोशंस के आधार पर हार्ट बीट उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव हार्ट वेव उत्पन्न करता है, और ये पॉजिटिव हार्ट वेव यूनिवर्स में जाती है और जैसे ही उस व्यक्ति को रिसीव होती है उसके हार्ट वेव्स के द्वारा, वो व्यक्ति आपकी सकारात्मकता को महसूस कर लेता है। और जब वो महसूस करता है आपकी सकारात्मकता को इन हार्ड वेव से, तो वो भी आपके प्रति सकारात्मक हो जाता है और वो व्यक्ति आपसे प्यार करने लग जाता है। और इन्हीं हार्ड वेव थ्योरी के सिद्धांत पर जब आप किसी के प्रति नेगेटिव इमोशंस मन में लाते हैं तो नेगेटिव हार्ड वेव्स उत्पन्न होती हैं और वो भी यूनिवर्स में जाती हैं।
और जिस व्यक्ति के प्रति आपका रवैया नेगेटिव है, वो नेगेटिव वेव्स वो व्यक्ति यूनिवर्स के माध्यम से कवर कर लेता है, और वो व्यक्ति बगैर आपके बताए ये जान जाता है कि वो आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने लगता है। ये सिद्धांत है हार्ड वेव थ्योरी का। अब कभी कभी ये होता है कि जब आपको किसी का दिल जीतना है और आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि आप क्या करें, तो इसके लिए यह सिद्धांत बहुत कारगर है। कैसे कारगर है मैं आपको बताता हूं कि मेरी हार्ड वेव थ्योरी के अनुसार जब दो दिलों से निकलने वाली हार्ड वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में आती हैं, तो वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में आती हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, नफरत करते हैं। कमाल देखिए इस थ्योरी का, जब हार्ड वेव्स रेजोनेंस में आते हैं, रेजोनेंस आपकी फ्रीक्वेंसी और सामने वाले की फ्रीक्वेंसी, हार्ट बीप का फ्रीक्वेंसी जब एक हो जाता है तो क्या हो जाता है, एक दूसरे के लिए वो दिल कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस थ्योरी को हमने समझ तो लिया, लेकिन हम इसका उपयोग कैसे करें? उपयोग करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को पॉज करिए, अपना हेडफोन उठाइए, एकांत में जाइए, और हेडफोन लगाइए मोबाइल में, एकांत में जाके बंद कर लीजिए आंखें। अब आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। आज पहला हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पहला ऑब्जेक्टिव से पहले दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी को अपना बनाना, प्रशंसा और प्यार पाने का, ये पहला इम्प्लीमेंटेशन है हार्ट वेव थ्योरी का। आप आंखें बंद कर लीजिए, एकांत में जाइए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, और आप उस व्यक्ति को अपने सामने लाइए जिस व्यक्ति से आप प्यार करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप अपना बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को सामने लाइए। उसके प्रति जो भी नेगेटिवनेस आपके मन में हो उसको हटा दीजिए, और उसको समक्ष लाकर, अपने अंतर मन में लाकर, उससे जो भी कहना है पॉजिटिव, उसको सारी पॉजिटिव बात बताइए, और ये पॉजिटिव इमोशंस हार्ट की तरफ ले जाइए, और महसूस करिए वहां से वो पॉजिटिव वेव्स यूनिवर्स में जा रहे हैं, और आप यूनिवर्स से प्रे करिए कि वो पॉजिटिव वेव्स उस व्यक्ति के हार्ट तक पहुंच जाएं। ऐसा कर आप देखते रहिए, आप देखेंगे कि आपके द्वारा उत्पन्न पॉजिटिव वेव्स उस व्यक्ति तक पहुंच चुके हैं, उसने आपके इस पॉजिटिव वेव्स को रिसीव कर लिया है, वो रिस्पॉन्ड करेगा, 100% रिस्पॉन्ड करेगा, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए इस चीज के, रोज उसको यूनिवर्स में मैसेज देते रहिए। अब यहां पर आप ध्यान रखना, इसका रिजल्ट आएगा विद इन अ डे और विद इन अ वीक। वो व्यक्ति आपके सामने से गुजरेगा, लेकिन आपका जो एक्शन होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव हो। ऐसा ना हो कि यूनिवर्स तो उसको आपके सामने भेज दे, लेकिन सामने वो हो फिर आप पॉजिटिव रिएक्शन ना दें। 100% आप उस व्यक्ति को अपना बना पाएंगे। इस थ्योरी का इस्तेमाल जरूर करिए, और कब करना है इस थ्योरी का इस्तेमाल? इन द मॉर्निंग, जागने के तुरंत बाद आप इस थ्योरी का इस्तेमाल करिए, और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइए। दो ऑब्जेक्टिव्स आप पा लिए, प्यार और प्रशंसा, लोगों को जीतना आपने सीख लिया। अब दूसरी बात आती कि हमें पैसा चाहिए, हमें सफलता चाहिए, तो आप मेरी हार्ट वेव थ्योरी का फिर से इस्तेमाल करिए। आप पुनः आंखें बंद करिए 5 मिनट के लिए। जीवन में जो भी लक्ष्य आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए कैसे मिलेगा, आप सिर्फ ये सोचिए कि वो लक्ष्य कौन सा है, और आप सोचिए कि वो बन गए, और उस लक्ष्य के प्रति अपनी वेव्स भेजिए, अपने आप को तैयार करिए, यूनिवर्स में भेजिए
यूनिवर्स पे प्रे करिए कि वो लक्ष्य मुझे पाना है, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, और यूनिवर्स में उसको डालिए। आप जैसे यूनिवर्स में डालेंगे, आप महसूस करेंगे कि एक ऊर्जा आप में समाहित हो रही है, और वो ऊर्जा रोज आपको उसके लक्ष्य के प्रति एक्शन करने के लिए मजबूर कर देगी, और आप देखना आपको 100% सफलता मिलेगी। इस थ्योरी का इस्तेमाल आप रोजाना सुबह है मॉर्निंग में करिए, मैं फिर से कह रहा हूं मॉर्निंग में करिए, क्योंकि रात में सोते वक्त आप और आपके हार्ट बीट रिसीवर और सामने वाले के रिसीवर्स उतने एनर्जेटिक नहीं होते जितना दिन में होते हैं। और लक्ष्य पाने के लिए जो यूनिवर्स को आपने मैसेज भेजे हैं, वहां से जो मैसेज आएंगे वो एक्टिवली आप दिन में रिसीव कर पाएंगे, और आप देखना एक अदृश्य पावर आपको उस लक्ष्य की तरफ चलने के लिए मजबूर कर देगी, एक्शन करने के लिए मजबूर कर देगी। आप इस थ्योरी को आज से अपनाइए और रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएंगे, हमेशा मेरा आपसे प्रॉमिस है। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसी भी काम को करने का, किसी भी आइडिया को अमल में लाने का सबसे बढ़िया समय वो होता है जब वो विचार में आया है, यानी कि आज आपके ये विचार में आया है तो अभी यानी कि आने वाली सुबह में आप इसको करना प्रारंभ करेंगे, और आप मुझे निश्चित रूप से थैंक बोलेंगे पलट कर कि मैं आपने मेरी थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य हासिल किया है। यदि आपको लक्ष्य हासिल हो तो मेरे चैनल पर आते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट में कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। देखना मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिससे आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।